जिला चंबा के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश का नजारा देखने को मिल रहा है। जिला चंबा के निचले क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब सड़कों पर बारिश का असर दिखना शुरू हो चुका है। जिला चंबा के तहत आने वाले चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर आज सुबह कलहेल के पास भूस्खलन देखने को मिला। भूस्खलन होने से बड़ी बड़ी चट्टाने इस मार्ग पर आ गिरी, जिस कारण मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। चंबा तीसा मुख्य मार्ग बंद होने से उपमंडल तीसा शेष दुनिया से कट चुका है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को बहाल किया जा रहा है, ताकि इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चल सके। फिलहाल भूस्खलन होने से मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और गाड़ियों के पहिए रुक गए हैं। अब देखना ये होगा कि मार्ग कब तक बहाल होता है और इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही कब शुरू होती है। हो गया सफाया, खोला हो गया सफाया, खोला हो गया सफाया, खोला हो गया सफाया, खोला लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चुरहा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।